हमने ज्ञान बंदे उनको बना के दे दिया, वो हमारी बाबी मां करते हैं। मैं तो कहता बना के देना नहीं चाहिए था उनको, तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये तो शुक्र करो ये इन्होंने गंजों की हुकूमत आगे तो बन गया, ये तो मैं होता तो मैं तो जूता बचा तो गिरा देता, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मुझे एक बात बताए आप, सर हिंदू भी इंसान है ना, कि आपकी नजर में इंसान नहीं है? नहीं, मेरी नजर में इंसान है। कंट्रोल मुझे उनको यकीन ही नहीं है दुआ पे तो। माय गॉड सर आप इंसान है? जानवर है। सबसे पहला इंसानियत, सबसे पहली इंसानियत आती है। आपसे आप हिंदू हैं, आप चले मैं आपको विदा कराता हूं। मुस्लिम हूँ और बिहेव योरसेल्फ। आप थोड़ा सा आराम से बात करें, आप आराम से बात करें और मुझसे फैक्ट्स पर बात करें। आपकी बात नहीं लगता आप मुसलमान है, आप इंसानियत पे बात करें, शायद आप में इंसानियत नहीं है। आपकी मसला हल कर सकती हैं, आप नहीं कर सकती। एक बंदा एक बंदे की आवाज मैटर करती है, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। हमारी आवाम आवाज उठाना नहीं चाहती। लेकिन हर यहाँ पे इतनी महंगाई है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है। तो वो कहेगा भाई अपना पेड़ पालें या किसी की जाके हेल्प करें। अभी जो तो बात है अपनी अपनी सबको पड़ी है, किसी को कौम की नहीं पड़ी। इस बात ये है इधर सिस्टम ऐसा। तो दोस्तों आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का, जिनके वीडियो का टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्ट मैसेज टू पाकिस्तान। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you are watching my YouTube channel. Viewers, जम्मू कश्मीर इंडियन कश्मीर की जानिब से पाकिस्तान के लिए खास एक स्पेशल वीडियो सामने आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने की सबसे ज़्यादा मुकद्दस पाक रात लैलतुल कदर रिसेंटली ही गुजरी है, जिससे रिलेटेड ये वीडियो सामने आई है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं और हम आवाम को भी दिखाने वाली है। अब अगर बात की जाए कि इस वीडियो के अंदर क्या है, तो इस वीडियो में क्लियरली ये देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में किस कदर मजहबी आज़ादी है। वहाँ पर मुसलमान किस तरीके से मस्जिद में, जामिया मस्जिद जो कि मशहूर मस्जिद है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर किस कदर ये कितनी आज़ादी से वहाँ पर इबादत कर रहे हैं, वहाँ पर अजान हो रही है। बहुत से मुसलमानों की इस वीडियो में रिव्यूज़ भी शामिल है, बहुत से मुसलमान बच्चों के, मुसलमान औरतों के इसमें रिव्यूज़ शामिल हैं, जो आज हम पाकिस्तानी आवाम को दिखाने वाले हैं। और देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी आवाम इस वीडियो को देखने के बाद अपने जितने भी दिमाग में मिसकनसेप्शन है कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर, उनको दूर करती है, उनको क्लियर करती है या नहीं करती। क्या राय रखती है पाकिस्तानी आवाम इस वीडियो को देखने के बाद, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। मेरी बात है ये एक मुकद्दस रात है मुसलमानों के लिए, तो इसमें पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं इस रात को जो लैलतुल कदर की जाती है वो खुसूसी तौर पर मनाते हैं अपनी मजहबी अक़ीदत के साथ, और ताकि अपने अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह के हुजूर अपनी माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए माफ़ी मांगते हैं ताकि अल्लाह ताला उनकी भी तरक्की तंदुरुस्ती फरमाए, उनको आज़ादी नसीब फरमाए। तो ये लैलतुल कदर की रात आपको पता होना चाहिए कि लैलतुल कदर की ही रात को 27 की रात को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये बड़ा मेन पॉइंट है। ये मुक़द्दस रात तो है मुसलमानों के लिए, इससे बढ़ के पाकिस्तानी के लिए बहुत बढ़ के रात है कि इस रात को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसी रात को नाजिल हुआ था। सबसे बड़ी बात कुरान पाक नाजिल हुआ, उसी की बरकत से हमें ये बाकी बरकतें मिली ना। ये मेन रात ये बरकत वाली रात है कि इस रात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नज़ूल फरमाया था, तो उसी बरकत से मुसलमानों के लिए ये बरकत की रात बनती है। फिर इसी रात को लोग इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपनी जो दूसरे ममालिक मुसलमानों को मुश्किलात हैं उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। बेशक सर इस रात की बहुत फजीलत है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो वीडियो मैंने आपको जम्मू कश्मीर से दिखाई है उसके हवाले से क्या बोलना चाहेंगे आप, जहाँ पर ये बोला जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों को कैदी बनाया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है। ये वीडियो आपके सामने है, कितने फ्रीडमली बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ, ये तो उन्होंने एक ऐसी ढोंग रचाया, एक मस्जिद खोल दी कि हम इस पे लोगों को अपनी इबादत के लिए जगह मौका दे रहे हैं। मौका नहीं दे रहे, वो तो सिर्फ अपनी मशहूरी कर रहे हैं। उन तो मस्जिद 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। सर जामिया मस्जिद की बात हो रही है, कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक मिनट, आपने बोला ढोंग कर रहे हैं, फिर सर वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होती है वहाँ के मुसलमान चाहे खुद आकर सोशल मीडिया पर कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम कहते हैं ढोंग कर रहे हैं। फिर अगर हम पाकिस्तान को देखें, यहाँ पर भी जो कुछ होता है, कुछ थोड़ी बहुत जो पॉलिसीज बनाई जाती है, क्या वो हम भी ढोंग करते हैं? यहाँ पे तो ढोंग नहीं आप कह सकते क्योंकि ये वो आजाद है। यहाँ पे वहाँ पे तो आप खाली मस्जिद का सीन ना देखे, उन्होंने एक मस्जिद खोली। मैं सर यहाँ की माइनॉरिटीज के जो हकूक है या जो हाल है वो भी पढ़ के आई हूँ, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा वो भी पढ़ के। यहाँ की जो माइनॉरिटीज है ना वो आपको पता ही नहीं, फिर आप देखा ही नहीं है। मैंने इंटरव्यू लिया है सर, मैंने सब कुछ पढ़ा। कितने मंदिर है पाकिस्तान में? मंदिरों का तो मुझे पता नहीं कितने, में रहता हूँ वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है। टोटल पाकिस्तान की बात की जाए 20 मंदिर है। तो सारी बात उनकी आबादी, पाकिस्तान में आबादी भी तो कम है। आबादी क्यों बंद हुई है? नो सर, जब आजाद हुए थे हम, जब पाकिस्तान बना था तब उनकी आबादी थी, अब लेस देन 1% क्यों रह गए? वो चले गए ना, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में रहना, हमें इंडिया में रहना। वो चले गए इंडिया में, क्यों गए? कोई तो वजह होगी। हालांकि कायदे ने कहा था भाई यहाँ पे हिंदू भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हिंदू चले गए, वहाँ के मुसलमान इधर क्यों नहीं आए? वहाँ के मुसलमान आए ना, हम तो वहीं से आए हैं, हम कहाँ से आए? हमको कश्मीर आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, आजादी की बात कर रहा हूँ। हमारे बाउजदाद आए इंडिया से थे, वहाँ पे इतना बाउजदाद की बात। मैं अभी के मुसलमान जो बस रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो लोग क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे? आप कह रहे हैं ना कि हिंदू वहाँ चले। अब देखो आप कह रही हो वहाँ पे खुश है, कहाँ खुश है? मुझे आप एक बात बताएं, 1 सेकंड, अगर हम मुसलमानों का कंपेरिजन कर रहे हैं ना, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम मस्जिदों की बात करते हैं, अगर वहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादा हो रही है तो सबसे पहले तो उनको मस्जिदों को ताला लगाना चाहिए ना। वहाँ पे क्या जा नहीं सकता? मैंने रिसेंटली सर लाइव विजिट किया है इंडिया का, लाइव विजिट। फिर आपने आपने हकीकत गलत विजिट किया। मैंने तो रेंडमली किसी से भी बात की है, मैंने तो हिंदुओं की ऐनक लगा के देखा मुसलमानों की। मैं 100% कह सकता हूं। ओके, मैं आपको मुसलमानों का रिव्यू सुनाऊंगी। हिंदुओं की ऐनक से देखा इन्होंने, सिखों की ऐनक से देखा। आपको मुस्लिम का ही रिव्यू सुनाऊंगी, शायद आपकी आंखें खुल जाए। वहाँ पे मुसलमान कोई जात नहीं है, मुसलमान बेचारे तंग है। अभी कुछ बताओ, कुछ दिन पहले तुमने मुसलमानों को मारा है। चलो मैं आपको हिंदुओं की लाइव मारा उन्होंने। आपको यहाँ पर पाकिस्तान के जो हिंदू है उनके रिव्यू सुना दूं? नहीं, मैं मुझे उनको यकीन ही नहीं है हिंदुओं पे। तो माय गॉड सर, आप इंसान हैं, सबसे पहली इंसानियत आती है। जितना इंसानियत का मतलब इस्लाम है ना, कोई भी नहीं है। हिंदू इस्लाम में भी यही बोला गया है कि इंसानियत पे फोकस करो। इस्लाम को तो कैद किया उन्होंने, 4 साल बाद मस्जिद खोल के सान किया उन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम बात करते हैं मुसलमानों को कैद किया हुआ है, ये बात आप पाकिस्तानी यहाँ पे क्यों करते हैं? ये बात क्यों नहीं करता? यहाँ पे कौन सा मंदिर बांधा? यहाँ पे कौन सा गिरजा बांधा? जैन मंदिर कितने साल बाद रेनोवेट हुआ है? तो वहाँ पे है ही कोई नहीं। आप हिंदू हैं, आप चले मैं आपको विजिट कराता हूँ। मुस्लिम हूँ और बिहेव योरसेल्फ। आप थोड़ा सा आराम से बात करें, आप आराम से बात करें और मुझसे फैक्ट्स पर बात करें। आपकी बात आप मुसलमान है, आप इंसानियत पे बात करें, शायद आप में इंसानियत नहीं है। आपकी बातों से लगता है आप हिंदू हैं। यही तो बात है कि जब इनसे बात की आप हिंदू है। 1 सेकेंड, बिहेव योरसेल्फ, आराम से बात करें और पर्सनल अटैक करना बंद करें। अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता तो सॉरी बोलिए और जाइए। एक बात बताऊं, हमने जैन मंदिर उनको बना के दे दिया, वो हमारी बाबा मां हैं। मैं तो कहता बना के देना नहीं चाहिए था उनको। तो ये तो शुक्र करो ये इन्होंने गंजों की हुकूमत आ गई तो बन गया, ये तो मैं होता तो मैं तो जितना बचा तो वो गिरा देता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप सर हिंदू भी इंसान है ना, कि आपकी नजर में इंसान नहीं है? नहीं, मेरी नजर में इंसान है। इंसान होते वो मुसलमानों को मारते। आप इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। मुझे लगता है आपके पास जीरो नॉलेज है और वाकई ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओके इनसे बात नहीं हुई, इनको भागना पसंद था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितनी बातें इनकी सच्ची और कितनी नहीं सच्ची। तमीज के दायरे में रहिए। पॉलिटिक्स है, हमें इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। ये हमारा दीन हमें दर्श देता है। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया तरक्की भी कर रहा है और बिल्कुल दर्ज देता है, इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि दीन ने कहा है कि आपस में मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो। लेकिन क्या यहाँ पर माइनॉरिटीज से प्यार से रहा जा रहा है? क्या माइनॉरिटीज को यहाँ पर राइट्स दिए जा रहे हैं? ये तो पॉलिटिशियन का मसला है ना, उनकी वजह से सारा मामला खराब। हर चीज पॉलिटिशियंस ने नहीं करनी होती है। आपकी अगर हमसाये हैं हिंदू, आपका रवैया उनके साथ कैसा है ये आपकी जिम्मेदारी है। छोटी सी बात करना चाहता हूँ, हकीकत में मबनी है, लोग बुरा गए, जैसे भी लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग हमें क्या कहते हैं, यहाँ हमने माइनॉरिटीज़ को क्या हक देना है? यहाँ शिया सुन्नी से सुन्नी, वाबी से वाबी, शिया से सुन्नी से, इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही तो इनको कैसे कुछ अपना बता पाएंगे? हमें अपना मुसलमानों को अपना ऐसा इमेज देना चाहिए कि जो सिख हैं, ईसाई, कोई भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो हम हमारे बारे में बताएं जाके कि नहीं ये कंट्री है, यहाँ इनका इस्लाम दर्ज देता है और ये अच्छाई का भलाई का दर्ज देता है। सिर्फ इमेज ही नहीं बनानी चाहिए बल्कि वे हकीकतन अपने रवैयों को बेहतर करने की और अपनी मेंटालिटी को बेहतर करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। रिस्पेक्ट देनी चाहिए माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को, सबको। यहाँ पे राइट देते भी, मुसलमान किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या राइट्स दिए जा रहे हैं? अगर हम स्पेशली हिंदुओं की क्रिश्चियंस की बात करते हैं, क्रिश्चियंस को यहाँ पर क्या बोला जाता है आपको भी पता है? वो नाम क्या बोला जाता है? नहीं मुझे तो नहीं पता है, मैंने जो देखा है। लेकिन हमारे मुल्क में किसी को तंग नहीं किया जाता, कोई अपनी मस्जिद में बात कर रहा है, कोई किसी को तंग नहीं किया जा रहा। टोटल 20 मंदिर थे, 17 की हालत बहुत खराब है। 3 उनमें से गिने चुने मंदिर है, ठीक है। जैन मंदिर को 30 साल लग गए उसकी रिनोवेशन के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए। आप मेरी बात सुने ना कि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा। मतलब 1 सेकंड, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएगा, एक एक हिंदू उठकर बाहर निकले, वो मुसलमानों का दरवाजा खटकाए कि यहाँ हमें मुसीबत आ रही है, आकर हमें हमारे लिए ये सब करें, ऐसा होगा क्या? हुकूमत ने कोई पॉलिसीज नहीं बनानी उनके लिए। मैम छोटी सी बात है, आप जितना मर्जी इस पे सरगवाई कर लें, ये कंट्री इंसानों के लिए नहीं है, बस सबसे इसके लिए ये जानवरों से बदतर कोई कौम होगी उसके लिए ये कंट्री है। आपको अब ये जो पाकिस्तान के बारे में भी बहुत, मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ, मैं लानत भेजता हूँ अमेरिका पे, उसको अमेरिका की नेशनैलिटी दो, वो पाकिस्तान पे लानत भेज के ना बैठ जाएगा, मुझे पकड़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये कंट्री आप बताएं कि ये कंट्री इंसानों को ले जाने के लायक नहीं बन गई। इस पे कहाँ इस्लाम के नाम पे बनी है, कहाँ इस्लाम कहाँ इस पे लागू है? इसका कानून सूदी निज़ाम है, इस पे कानून देख लें सारे सारे हैं कानून जो है वो, कोई इस्लामी कानून तो है नहीं इधर। अगर हम इस्लाम के मुताबिक आए तो फिर ये कंट्री इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लाम के मुताबिक इस्लामी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम हुई है। आप 10 साल इटली रह के आए हैं, अब वहाँ से और यहाँ का जमीन आसमान का फर्क आप खुद बताते हैं, तो ये है कि यहाँ नहीं वो चीज़ नहीं है भाई। यहाँ इस्लाम ये भी कहता है कि पहले इंसानियत है, हम इंसानियत है, इंसानियत नहीं है। मैं यही मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान उसको हक नहीं देते, वो मुसलमान को हक नहीं देते। हमारी कंट्री में इंसानियत बहुत कम रह चुकी है और जो थोड़ी बहुत रह गई उसकी वजह से कंट्री चल रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस कंट्री में। चले सर हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने कश्मीर की ही बात करते हैं। तो क्या कश्मीर में हमारी इंसानियत नजर आ रही है? हमारे आजाद कश्मीर जिसे बोला जाता है उसकी बात करें। ये मैम मैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जाए तो पाकिस्तानियों के पास बड़ी नॉलेज है भाई, वहाँ पर ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वहाँ पर मुसलमानों को कैद किया जा रहा है, ये हो रहा, वो रहा है। लेकिन जब हम अपने आजाद कश्मीर की बात करते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। ऐसा क्यों है सर? जब हमें अपने ही पार्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, हम ताने कसते हैं सरहद पार। मेरी बात सुनो, आजाद कश्मीर में हम सब कुछ दे रहे हैं उनको, जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सहूलतें दे रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, अगर उनको पैसे चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत है, उनकी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से गंदम जा रही है, आटा जा रहा है, डबल टैक्स पर, ये भी साथ मेंशन। वो एक लदा चीज है, वो तो पॉलिटिशियन का मसला है, वो गवर्नमेंट का मसला है, वो क्या कर रहे हैं अभी सब। ये हमारे आवाम अगर चाहे आवाज उठाए तो सब कुछ हो जाता है सर। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन आवाम घर सब घरों में सोई हुई है, किसी को अपने साथ वाले हमसाया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बात बताएं, अगर आजाद कश्मीर को इतनी सहूलियत दी जा रही है तो वो बेचारे वहाँ पर क्यों टैक्स की वजह से जो है वहाँ पर रैलियाँ निकल रही हैं, क्यों तंग आए हैं वहाँ पर बताएं। उनकी गवर्नमेंट, उनका खुद अपना वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, पाकिस्तान की हुकूमत है वहाँ पर पाकिस्तान के, लेकिन उनका अपना वजीर आजम आजाद कश्मीर का, आपको पता है उनका अलग वजीर आजम भी है। लेकिन हुकूमत वहाँ पर किसकी हो रही है? PTI की हो रही है। वो PTI बेचारी तो अभी आई है, जो 40 साल से पहले कर रहे हैं, अभी यही हाल था। पर हर इदारे की अगर सरबराही की बात की जाए तो वो पाकिस्तानी है सर। उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अगर वो हमें बिजली दे रहे हैं, हमारी तरफ से उनको सहूलतें जा रही है, हमारा जा रही है। आप पाशी का निजाम वहाँ इतना बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा है कब आती है कब नहीं आती, और टैक्स आपने देखे वहाँ पर कितने भरे जाते हैं। टैक्स हम इधर भी पे कर रहे हैं, वो अकेले नहीं पे कर रहे, टैक्स पूरा पाकिस्तान दे रहा है। अभी आप गोल्ड सीरियल 250 रुपए की डिपी सर, वहाँ पर डबल टैक्स है। क्या आपको पता है वहाँ पर आटा यहाँ से जो जाता है डबल टैक्स वो लोग पे करके आटा लेते हैं, हालांकि जरखेज जमीन है उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए उनको सहूलतें प्रोवाइड करें, ये आवाम का हक तो नहीं बनता। आवाम क्या कर सकती है? एक इमदाद ही कर सकती है ना, कि अपने बहन भाइयों के लिए किसी मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। चलिए जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ये वीडियो देखने के बाद वो लोग खुशहाल है या अभी भी स्टिल पाकिस्तानियों का यही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आ रही है वीडियो, ये देखो नॉर्मली उन्होंने दिखाया कि हम खुशहाल है। ये एक कंट्री, एक सिटी है, क्योंकि जो दूसरे इलाके हैं मैंने देखा, मैंने खबरें में देखता हूँ, पहले पिछले दिनों में बहुत बुरे हालात है कश्मीर के, बेचारे बहुत मुश्किल में जी रहे हैं, उनकी जमीनों पे इंडिया कब्जा कर रहा है। 1 मिनट मुझे एक बात बताएं, लॉकडाउन नहीं कर्फ्यू, वो कर्फ्यू इसलिए ताकि वहाँ से टेररिज्म को खत्म किया जाए। हम लोग कोई भी वीडियो देखते हैं उसका ना सोर्स देखते हैं ना उसका बैकग्राउंड देखते हैं। जो जम्मू कश्मीर है ना, वो जमीन जो जम्मू कश्मीरियों की है, उन्होंने उनके बागात सब कुछ खराब कर दिया। जो इंडिया कश्मीर में पहले पंडित नहीं रहते थे क्या, हिंदू नहीं रहते थे? लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। आपको पता है एक जगह मुतनाज़ा है, उसके ऊपर आप जमीन नहीं खरीद सकते। आपको पता है आर्टिकल 370 जब हटा है उसके बाद बहुत ज्यादा वहाँ पे चेंजेस हुई हैं, ठीक है। कश्मीरी दुनिया प्लानिंग कर क्यों ना हटाएं, उसके बाद इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप रिसर्च तो करें। मैं ऊपर आके एक मकान बना लूँ तो आप कहेंगे मैं आपका, मेरा ये मेरा कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। पार इंडिया का, लेकिन वो एक लहदा रियासत है। वो लोग अपने आप को अलग रियासत नहीं समझते। मेरी जम्मू कश्मीरियों की जर्नलिस्ट से, आम पब्लिक से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है आप कौन होती है डिफरेंशिएट करने वाली, हम लोग इंडियन हैं सबसे पहले, फिर हमारी शनाख्त आती है कश्मीरी। मैं आपको सुना सकती हूँ सर। आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक उनके राइट्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी यहाँ पे हालात देख रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये एक आधी बंदे की राय हो सकती है, एक आधी बंदे की नहीं, बहुत से कश्मीरियों की राय है। मैं आपको सबकी गिनवा सकती हूँ। हम तो उसे, हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो चाहे इंडिया में रहे, जहाँ उनका दिल है वहाँ। कंसर्न नहीं है फिर कश्मीर के बारे में, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर हॉट टॉपिक कश्मीरी रहता है। मुसलमानों, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए दर्द है हमारे लिए, बाकी वो जहाँ भी रहना चाहिए। अब मुसलमानों के लिए अगर दर्द है तो वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी फिर दर्द होना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, दर्द में सिदर भी है। आपको पहले बताया गया मसला हल कर सकती हैं आप, नहीं कर सकती। एक बंदा, एक बंदे की आवाज मैटर करती है। कतरा कतरा बन के दरिया बनता है, हमारी आवाम आवाज उठाना नहीं चाहती। लेकिन हर यहाँ पे इतनी महंगाई है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है। वो कहेगा भाई अपना पेड़ पालें या किसी की जाके हेल्प करें। अभी जो तो बात है, अपनी अपनी सबको पड़ी है, किसी को कौम की नहीं पड़ी। इस बात ये है, इधर सिस्टम ऐसा हमें सिस्टम ही गिरा दिया है कि हम लोग सिर्फ अपने इतनी, आपको पता है जो अपना ये महंगाई है, बेरोजगारी है, इधर क्या क्या कुछ नहीं है, आप देख रही है ना इधर। और जो भूख होती है इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है, और हम मुसलमानों को इतनी भूख इधर पैदा करके इन सबको डाल दिया गया है रोटी के पीछे। हुक्म तो फिर सबर का भी है, ये तो हमारी अपनी लालच है जो बाहर आ रही है। ऐसे ही है, लेकिन ये है कि हम सब मुस्लिम्स को भी चाहिए कि हम लोग अपने अपने हाल को दुरुस्त करें। ठीक है, जैसे अपना आप सल्लम का बताया हुआ वे है, उसको अपनाएं, उसको अपनाएं। अपने आप को पहले ठीक करें, अपने घर को ठीक करें, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हमें दे दो, हमें दो, तो लोग हमारे तरफ खुद आएंगे। बात यह कि हम खुद ही पहले, हम खुद ही ठीक लेंगे। आपके अल्लाह ताला हमारी सबकी क्या कहते हैं इस्लाह करे, हमें सीधे रास्ते चलने की तौफीक दे। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन एक नॉर्मली राय दे रहे हैं कि क्योंकि हम सब एक पहली चीज़ है कि इंसानियत है। आप किसी के साथ वैसे क्या कहते हैं अल्लाह के लिए इंसानियत की बातें करने के साथ साथ हम सबको उस पर अमल भी करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, इसी के साथ जो वीडियो वो समाप्त होता है।